है जो 25 दिवसीय शिविर कार्यक्रम संपन्न हुआ संकेतारा महाविद्यालय में, उसी जो 20 बच्चों का जो प्रमाण पत्र वितरण किया गया है और राज प्रभारी श्री संजीव आचार्य जी बीच में आए हुए थे, उन्होंने श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी बनाया है और पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनील कुमार चौबे को महामंत्री नियुक्त किया है। इसलिए आज हम लोग जो है सम्मान समारोह कार्यक्रम किए थे, आज उन लोगों का सम्मान कार्यक्रम समारोह संपन्न किया गया है और बच्चों के हाथ में वितरण किया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है और कुछ प्रसाद वितरण भी किया गया है। तो है जब मैं योग से जुड़ा था 2003 में, तमाम बीमारियों से ग्रसित होकर के, तो कहीं कोई डॉक्टर मुझे फ़ायदा नज़र नहीं दे पाया। जब योग से जुड़ा जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है लोग जुड़े जो है, इससे सीधा फायदा जो होता है तन और मन का समन्वय, और यही आपको देती है सकारात्मक ऊर्जा। और जब मैं इस योग के करते करते जब ठीक होने लगा तो मेरा प्रयास रहा कि और लोग जुड़ें, इसमें भाई ओम प्रकाश जी, भाई राम बाबू जी, भाई रवि प्रकाश त्रिपाठी जी, चंद्रकांत मिश्रा जी और अन्य योगी बंधु जो है इसमें जुड़े और इसको जो है नगर के कोने कोने तक फैलाया गया। आज हम आपको हर्ष के साथ बताते हैं और गर्व भी करते हैं कि हमारे जनपद में जो है कुल 147 कक्षाएं चल रही हैं और इस रावर्ट्सगंज नगर में 25 से 26 कक्षाएं चल रही हैं जिसमें महत्वपूर्ण हो ही रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है जो हमारे समाज में कुविचार का फैलन है, ईर्ष्या द्वेष भाव, इस योग के माध्यम से वो सकारात्मक ऊर्जा जो है हमको मिल रही है और जब सकारात्मक आ रहा है तो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसा कि योग का मतलब ही होता है जुड़ना। तो योग जो है लोगों को जुड़ रहा है सकारात्मक ऊर्जा के साथ। किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और उनके घर पर जाके उनको प्रेरित करके योग से जो बीमारियां समाप्त होती हैं उस पर उनसे चर्चा करेंगे, उनको लाएंगे साथ में योग सिखाएंगे। योग लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो आर्थिक लाभ होगा, योग करेंगे तो उनको पैसा एक भी नहीं खर्च होगा। और केवल सबसे बढ़िया है गिलोय, अगर अपने घर में गिलोय तुलसी का ही केवल सेवन करें तो किसी प्रकार का कोई रोग शरीर में नहीं होगा। और उससे बड़ा है गाय का पेशाब, गौमूत्र इसे कहते हैं जिसे गोधन अंत करते हैं, कैंसर को मात देता है। अभी ओबरा में कई ऐसे रोगी हैं जो कैंसर से जूझ रहे थे, केवल हमने गौमूत्र पिलाकर, कोई प्राणायाम नहीं करा, केवल गौमूत्र पिलाकर उनको ठीक किया है 90%। अब गौ माता के सेवा से आपके पास भी कोई रोग नहीं हो सकता। कपाल भाती उसमें सबसे रामबाण है, बाकी यह इसमें सबसे बड़ी सिद्धि है कि आपको ब्रह्म बेला में करना होगा, ये नहीं कि 7 बजे करें 8 बजे करें तो लाभ नहीं होगा। ब्रह्म बेला में किया हुआ योग ऊंचाइयों तक ले जाता है, बीमारियां तो छोड़ दी।